नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी नियमित रेलवे से सफर करते हैं तो कई बार आप इस समस्या में जरूर उलझे होंगे कि ऐन मौके पर आपको अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। अब समय बहुत चंचल है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। ऐसे में कई बार समय का नुकसान तो यात्रियों को होता ही था, लेकिन समय के साथ आपका पैसा भी बर्बाद होता है। क्योंकि अब तक रेलवे के डीएम के अनुसार अगर आपने अपनी टिकट बुक करवा दी है और आपका सीट भी कंफर्म हो गया और सोने पर सुहागा चार्ट भी बनकर अगर तैयार हो गया तो पुराने नियम के अनुसार आपका पैसा कटना तय है। लेकिन अब नए नियम के अनुसार चार्ट बन भी गया तो भी आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड होगा। अब आप भी पूछेंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अगर यात्री अब अपनी यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करवाते हैं और किसी कारणवश अंतिम समय में टिकट कैंसिल करते हैं तो रेलवे के नए नियम के अनुसार आप पूरा पैसा रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब रेलवे ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि अगर आप अब रेलवे की टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस टिकट डिपॉजिट रसीद यानी कि TDR जमा करवाना होगा। अब सवाल ये है कि रेलवे ने बता दिया कि टिकट कैंसिलेशन के बाद क्या करें, पर अब सवाल ये है कि TDR आखिर फाइल करवाते कैसे हैं, जिसको लेकर सबसे पहले आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां आपको आपकी स्क्रीन पर होम पेज पर माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं, यहां पर आपको माई ट्रांजैक्शन का विकल्प मिलेगा, इस पर ही क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको TDR का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको टिकट बुकिंग से जुड़ी सारी जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। यानी कि आपको यहां बताना होगा कि टिकट बुकिंग किसके नाम पर है और PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड जैसी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद कैंसिल करने का नियम खुलेगा, यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद आएगा सबसे अहम स्टेप, जहां पर आपको अपने पास वो नंबर रखना होगा जिस नंबर का इस्तेमाल आपने अपनी टिकट बुकिंग के दौरान किया था, क्योंकि इसी नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा। OTP डालते ही आपके पास सबमिट का ऑप्शन भी खुल जाएगा, उस पर क्लिक करें, तब PNR वेरीफाई कर दे और कैंसिल टिकट के ऑप्शन को चुने। इसके बाद ही आपके स्क्रीन पर रिफंड होने वाली राशि दिखने लगेगी। यानी कि अब आप अपने टिकट का चार्ट बन जाने से पहले कैंसिल करवाए या चार्ट बनने के बाद कैंसिल करवाए, आपको रिफंड होने वाली राशि पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अब तक नियम के अनुसार चार्ट बनने के बाद आपका टिकट भले ही कैंसिल हो जाता हो, लेकिन बात जब पैसे रिफंड की आती है तो इसका विकल्प ही यात्रियों के पास नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, यानी कि अब आप आसानी से अपना टिकट कभी भी कैंसिल करें, आपको आपका रिफंड मिलना तय है। ये है ना कमाल की बात। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेलवे के नए नियम से आप संतुष्ट हैं या नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।